हमने सब संभाल लिया, पापा को एडमिट कर लिया गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ का है बेटा, किसी बड़े अस्पताल में का है नहीं। माँ वो भी करा देंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग राम जी से काहे नहीं बात कर रहे। हर्ष बाबू से बात करो, याद है ना पिछला बार पापा जब बीमार हुए थे तो कितना बढ़िया इलाज करवाया था उन लोगों ने बड़े अस्पताल में। अच्छा सुनो, अगर तुमको अपने ससुराल वालों से मदद लेने में शर्म आ रहा है तो हमको बताओ, हम बात करते हैं। अरे आप तो हम सब एक परिवार है ना, और परिवार में एक दूसरे से मदद लेने में काहे का शर्म। आप बस भी करो, हम लोग देख रहे हैं ना सब। दीप आप हमारे साथ चलिए, हम पापा को देखते हैं। हाँ, हाँ, चल। क्या करें हम? रिया बोल। हर्ष बाबू। कौन? आप कौन? हेलो हर्ष बाबू, हम जानकी की माँ बात कर रहे हैं। ओ तो आप गुड़िया की मम्मी हो। वाओ वाओ वाओ। मतलब गुड़िया आपके पास है क्या? कौन सा गुड़िया? मेरी गुड़िया, मेरी वो जानकी गुड़िया ना, मेरी मेरी गुड़िया जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो कहाँ है? हर्ष बाबू आप कौन सा गुड़िया का बात कर रहे हैं? मेरी गुड़िया, जानकी गुड़िया मेरा ख्याल रखती है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैंने बैंड दिया था ना, वो गुड़िया कहाँ है? वो आप बच्चा की तरह काहे बात कर रहे हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चा मत बोलो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बिग बॉय, महाशास्त्री, मेरे बर्थडे भी मनाया था अपना, समझे आप? क्योंकि मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है ना, तो मुझे वो गुड़िया तो बताओ कहाँ है वो? गुड़िया? हर्ष बाबू बच्चा की तरह बात काहे कर रहे हैं? क्या हुआ है इनको? माँ वो सच में दिमाग से बच्ची। ती बिल्कुल सही कह रही है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चीचू पागल है। कुछ भी बोल रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? इसलिए वो हमसे आज तक नहीं मिले, ना ही शादी में आए।